yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Hello guys, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अपने ब्लॉग अमितुरी ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं कालपी के पुल, तो आपको दिखाते हैं कालपी पुल का नज़ारा और मिलवाते हैं अपने कुछ दोस्तों से और लेते हैं उनकी राय इस पुल के बारे में। चलिए पहले देखते हैं कालपी का पुल। तो पूछते हैं इनसे कालपी पुल के बारे में। ये लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो जब कोई ट्रक या कोई भारी वाहन निकलता है तो पुल काफी हिलता हुआ महसूस होता है। तो क्या है आपकी राय इस पर मिस्टर अतीक? तो गाइस, आज मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग पुल पर खड़े हैं, जैसे ही यहाँ से वाहन निकलते हैं, आप देखिए ट्रक मेरे सामने आ रहा है, जैसे ही ट्रक निकलेगा तो इसमें इतना जोर का कंपन होता है, ऐसा लगता है कि हम गिरने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं, यहाँ पे नदी दिख रही है, बहुत ही शानदार और खूबसूरत नदी है। और यहाँ पे जो ग्रीनरी है, जहाँ पे आप पेड़ देख सकते हैं, काफी अच्छे अच्छे पेड़ लगे हुए हैं, जो बताया जाता है कि प्राचीन काल में ये औषधि का कार्य करते थे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अब मेरे मित्र विवेक के पास, उनकी इस बारे में क्या राय है। तो विवेक जी, हेलो एवरीवन, हाय। आप जैसे कि देख सकते हैं, हम लोग आज खड़े हैं कालपी पे, हम लोग पुल पे खड़े हैं और यहाँ का व्यू हमें जिसे कहेंगे, यहाँ का व्यू दिखाइए, कितना मस्त व्यू है। यहाँ पे पीछे यमुना जी हैं, उसके पीछे वेद व्यास मंदिर है। यहाँ शाम का जो टाइम होता है बहुत ही यूनिक होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। जब सूरज अस्त होता है बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे यहाँ का व्यू देख सकते हैं, और अगर आप इस तरफ देखेंगे तो राइट हैंड साइड यहाँ पे रेलवे पुल है, उस तरफ यमुना है। तो जैसा कि विवेक जी ने बताया, जब यहाँ पर सूरज अस्त होता है, सनसेट होता है, तो काफी भव्य नजारा होता है, काफी अच्छा व्यू होता है। तो काफी कभी आपको वो भी व्यू आपको दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे, तो बने रहिए ब्लॉग के साथ। और जब यहाँ पर सूरज उदय होता है तो उसकी जो सुबह की जो किरणें जो यमुना नदी पर पड़ती हैं, रेडी आज इतना अच्छा लग रहा है कि लोगों के मुंह से मैंने सुना था कि कालपी आए तो इस पुल पर जरूर खड़े हो, और क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव एनर्जी निकलती है वो आपके मंत्र को मुग्ध कर देती है और आपका समय दिन भर बहुत अच्छा जाएगा। तो आज मैं इस पुल पे खड़ा होकर ये महसूस कर रहा हूँ कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है, लोगों से बात करने में बहुत अच्छा लग रहा है, और जो पॉजिटिव एनर्जी यहाँ से जो निकल रही है वो मेरे मस्तिष्क को इतना शांत कर रही है कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। मेरे सामने अगर आप देखें तो ये नीम का पेड़ लगा हुआ है, तो अमित अगर आप इस नीम के पेड़ को देखेंगे तो आपको इतना घना और हरा नीम का पेड़ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ जो नदी है, नदी से जो मिनरल्स आते हैं इस पेड़ को काफी अच्छा नरिशमेंट कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये जो वाइब्स हैं, ऐसी वाइब्स आपको कहीं मिल नहीं सकती हैं। बात रहती वेल डन, तालियां होनी चाहिए। Yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm... तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम कालपी के पुल के बीचों बीच यहाँ पर आके खड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर यमुना नदी पर ये पुल बनाया गया है। तो शाम का और सुबह का नजारा जो यहाँ पर होता है दोस्तों, काफी देखने लायक होता है। जब यहाँ पर हम बात करते हैं सनराइज और सनसेट की, तो मन को मुग्ध कर जाता है, मन को ये बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि जब सूरज अस्त होता है उसकी किरणें यमुना नदी के जल पर पड़ती हैं, काफी अपना अस्तित्व बिखेरती हैं दोस्तों। तो मैं कहना चाहूंगा, अगर आप कालपी से गुजरें और वक्त सुबह या शाम का हो तो इस व्यू का जरूर आनंद लें। धन्यवाद। Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.